हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे 12th फिजिक्स क्लास, जिसमें देखेंगे अपन सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक की तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जिसमें हम तीनों को अलग अलग क्रम से बना लिए हैं, जिसमें अपन कंपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे कंपेयर करेंगे एक बार आप भी देख लीजिए। तो पहला क्रमांक के हिसाब से करते हैं, तो पहला क्रमांक में क्या आ जाएगा जी हमारा, इसकी परिभाषा में अंतर आ जाएगा। देखिए, चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है, धातु, मानव शरीर, पृथ्वी आदि विद्युत के चालक हैं, ये बोले थे हमने। चालकों में विद्युत का वाह होता है, धातु, मानव शरीर और पृथ्वी में होता है। इसमें देखेंगे विद्युत रोधी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, विद्युत रोधी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे विद्युत रोधी क्या क्या है जी, एक कांच है, रबर है और प्लास्टिक है। अब अर्धचालक में कौन कौन सा हो जाएगा, अर्धचालक चालक और विद्युत रोधी के बीच के पदार्थ का होता है। अर्धचालक कैसा होता है, इन दोनों के बीच का होता है। अर्धचालक विद्युत रोधी और चालक के बीच का होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उदाहरण देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा जी, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब दूसरा देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होता है, इसमें इसमें क्या होता है चालक में, इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक नहीं होता है। अब तीसरा में देखेंगे तो क्या होगा जी, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल विद्युत वाहक होता है, इसमें कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन और होल विद्युत वाहक होता है। जैसे कि अपन जर्मेनियम का जो बनाए थे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो किसमें था, होल में था, तो इलेक्ट्रॉन तो होता भी है और हो किसमें हो जाएगा, होल में भी हो जाएगा। अब तीसरे प्रकार का देखेंगे तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है। तीसरा हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होता है, इसका धनात्मक होता है। अब विद्युत रोधी में देखेंगे तो क्या होता है जी, ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध
अप्रभावित होता है। इसका गुणांक प्रतिरोध गुणांक शून्य होता है। और क्या होता है? इसका प्रतिरोध गुणांक शून्य होता है। अब तीसरा देखेंगे तो ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटने लगता है। अर्धचालक में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटने लगता है। ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटने लगता है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका प्रतिरोध गुणांक आत्मक होता है, ठीक है दोस्तों। फिर और आगे देखेंगे इसमें चौथे प्रकार का, तो क्या क्या होता है उसको समझेंगे। तो देखिए चौथा प्रकार क्या होता है, इसमें चालक बैंड सहसंयोजी बैंड एक दूसरे के अति व्याप्त हो जाता है, जिसमें कोई अंतर नहीं होता, अतः इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें देखेंगे विद्युतरोधी में, तो इसमें चालक बैंड और सहयोजी बैंड चौड़े विद्युत ऊर्जा अंतराल के द्वारा पृथक होते हैं। इसमें चालक बैंड पूर्णतः रिक्त और सहयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है। अब तीसरा देखेंगे अर्धचालक के बारे में समझेंगे, तो इसमें क्या होता है? अर्धचालक बैंड सहयोजी बैंड कम चौड़ा वर्जित ऊर्जा अंतराल के द्वारा पृथक होता है। इसमें चालक बैंड रिक्त होता है, अतः सहयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भरा होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखेंगे तो अशुद्धियां मिलाने पर इसकी चालकता कम हो जाती है। अशुद्धियां मिलाने पर इसकी चालक कम हो जाती है। अब इसमें क्या है? इस विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। विद्युत प्रतिरोध परिवर्तित रहता है। अब इसमें देखेंगे तो क्या रहता है जी? अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाता है। इसमें कम हो जाता, इसमें अपरिवर्तित रहता, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें अपन कुछ नया देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों।